dear viewers you are warmly welcome in this lecture kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from biology guardian thank you ar-Rahim. इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी आज हम चैप्टर नंबर थर्टीन का आगाज करने लगे चैप्टर थर्टीन दैट इज इम्यूनिटी आप जानते हैं कि ये हमारी फर्स्ट ईयर एनबीएस बायोलॉजी बुक का लास्ट चैप्टर है इम्यूनिटी का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी के अंदर और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का दारोमदार दरअसल उसकी इम्यूनिटी के ऊपर होता है तो हम आज के लेक्चर के अंदर इम्यूनिटी का एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करेंगे और इम्यूनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो बुनियादी टर्म्स हम यूज करते हैं उन टर्म्स को हम यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे आज के लेक्चर में और फिर आने वाले लेक्चर में इम्यूनिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको आप तक पहुंचाएंगे तो आइए देखते हैं कि इम्यूनिटी क्या चीज है इम्यूनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैप यहां पे आपको दिखाते हैं और इसके ऊपर जरा गौर करते हैं आप देखिए कि आप यूं समझें कि ये एक लिविंग बॉडी है या अगर हम ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप यूं समझ लें कि ये ह्यूमन बीइंग है एक ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हमारा वाइटल पोर्शन है वाइटल पोर्शन का मतलब है जिसके ऊपर हमारी जिंदगी का दारोमदार है वो ये सेंटर में लोकेटेड है जिसको लाइफ हेडिंग दी है ठीक है और बाकी जाहिर है कि हमारी बॉडी के ये पार्ट्स हैं इन डिफरेंट लेयर्स के अंदर और ये हमारी बॉडी की बिल्कुल आउटर मोस्ट लाइनिंग आपको नजर आ रही है और ये आउटर मोस्ट लाइनिंग जाहिर है कि स्किन पर मुश्तमिल है या फिर जैसे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एपिथेलियम हो सकती है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एपिथेलियम है यानी जो भी हमारी एक्सटर्नल लेयर होगी जिसके साथ आउटर इन्वायरमेंट कम्युनिकेट कर रहा होगा वो यहाँ पर इस बाउंड्री के साथ यहाँ पर शो की गई है इस बाउंड्री की फॉर्म में उस एक्सटर्नल लेयर को दिखाया गया अब देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अटैक कर रहे हैं असल में देखो हमने इस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना होता है ना इन्वायरमेंट से हमने न्यूट्रिय ऑप्टेन करनेवायरमेंट से हमने ऑक्सीजन गेन करना है इन्वायरमेंट के अंदर ही हमने जो वेस्ट मटेरियल है उन्हें रिलीज करना है तो जब हम अपने इन्वायरमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद अवर इन्वायरमेंट हमें बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स का भी सामना करना पड़ता है और उन ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है उन प्रोडक्ट्स में जाहिर है कि नॉन लिविंग थिंग्स शामिल होंगी कोई टॉक्सिक मटेरियल्स हो सकते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के या फिर इसके अलावा कोई एक्स वाई जेड नॉन लिविंग मटेरियल भी हमारे आसपास मौजूद हैं जिनके साथ हमारा इंट्रैक्शन होता रहता है तो जब भी हम अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इस इंट्रैक्शन के दौरान कोई लिविंग बींग्स या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग के साथ हमारा वास्ता पड़ता है तो ये लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में ये कंपोनेंट्स मौजूद हैं ये सब के सब हमारे लिए हार्मलेस नहीं है इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं जाहिर है कि हम अपने न्यूट्रिएंट्स को अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं तो उन न्यूट्रिएंट्स के साथ इस तरह के कुछ हार्मफुल कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं उनके अंदर डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स भी शामिल हैं जैसे कि बैक्टीरिया वायरसेस या फंजाय या फिर इसके अलावा कोई दूसरे जो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक टाइप के केमिकल कंपाउंड्स यहाँ पर नेचर के अंदर मौजूद होंगे वो भी हमारे बॉडी के अंदर अलोंग विद न्यूट्रिएंट्स दाखिल हो सकते हैं तो कोई भी इस तरह से फॉरेन पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ लिविंग बींग्स बैक्टीरिया वायरसेस या फंजाए जो कि डिजीज कॉज करते हैं यानी पैथोजेंस या फिर कोई भी दूसरा केमिकल कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड जो हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होगा और अगर वो बॉडी के लिए हार्मलेस नहीं है हमारे बॉडी के लिए अगर हार्मफुल है तो ऐसी सूरत में बॉडी के अंदर डैमेज टेक प्लेस होगा उसकी वजह से डैमेज आएगा बॉडी को नुकसान पहुंचेगा यानी वो फॉरेन पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया वायरस ऑफ एंजाय या फिर कोई दूसरा नॉन लिविंग मटेरियल अगर वो बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद बॉडी को डैमेज करता है तो उस डैमेज से प्रोटेक्शन हमें रिक्वायर्ड है अदरवाइज अगर वो डैमेज हमारी इस लाइफ लाइन तक पहुंच गया यानी हमारी इस वाइटल एरिया तक पहुंच गया जिसके ऊपर हमारी लाइफ का दारोमदार है तो ऐसी सूरत में फिर हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे तो इसलिए सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है कि उन फॉरेन पार्टिकल्स को रोका जाए सबसे पहले तो उनको बॉडी के अंदर दाखिल होने से रोका जाए और अगर वो बाय चांस बॉडी के अंदर दाखिल हो भी जाते हैं तो यहां पर भी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर उनको किल करने के लिए उनको रोकने के लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए तो यही जो हमारे बॉडी के अंदर इस तरह का एक मैकेनिज्म मौजूद है बॉडी के अंदर एक एबिलिटी मौजूद है कि बॉडी या तो उस फॉरेन पार्टिकल को उस फॉरेन इन्वेडर को अंदर ही नहीं, नहीं आने देती और या अगर वो चीज अंदर आ भी जाए तो अंदर उसको रोक दिया जाएगा इस लाइफ लाइन को डैमेज करने से ताकि हमारी लाइफ सरवाइव कर सके तो ये जो बॉडी की एबिलिटी है जिस एबिलिटी के तहत बॉडी इस तरह से रिजिस्ट करती है किसी फॉरेन पार्टिकल की इन्वेजन को उसकी एंट्री को रोकती है या फिर बॉडी के कुछ सेल्स को या किसी मैकेनिज्म को मोबिलाइज करती है वो एबिलिटी और उसके जरिए फिर उस फॉरेन पार्टिकल को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना पॉसिबल हो जाता है तो इस एबिलिटी का नाम दरअसल इम्यूनिटी है ठीक है भाई तो इम्यूनिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे इम्यूनिटी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू कॉम्बैट ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अभी आपको बताया कि भाई बैक्टीरिया वायरसेस ये डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर दाखिल होकर डिजीज कॉज करते हैं ये पैथोजेंस कहलाते हैं तो ये तमाम जितने भी डिफरेंट काइंड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेन इन नेचर है ठीक है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की यहां पर बात हो रही है तो बॉडी की एबिलिटी द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू बैट ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गे आपको बताया कि बॉडी सबसे पहले तो कोशिश करेगी किन इन्वेडर अंदर दाखिल ही ना हो पाए और अगर यह बाई चांस अंदर दाखिल हो भी जाता है तो फिर ऐसी सूरत में इसके साथ कॉम्बैट करने के लिए या तो कोई प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी बॉडी हमारे अंदर ये सिस्टम मौजूद होता है कि कुछ ख़ास किस्म की प्रोटीन्स को प्रोड्यूस किया जाए अभी आगे चलकर आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो खास किस्म की प्रोटीन्स क्या होती हैं तो इस तरह से कुछ ख़ास किस्म की प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करवाया जाए जिनके जरिए उन फॉरेन इन्वेडर्स को फिर बॉडी के अंदर ब्लॉक किया जाएगा रोका जाएगा और उनको फिर बॉडी से बाहर निकाला जाएगा या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो इस तरह से इन प्रोटीन्स के जरिए या फिर बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं जो इन फॉरेन वेडर्स को खा जाते हैं फैगोसाइटिक सेल्स उन्हें खा जाता है तो इन फैगोसाइटिक सेल्स को मोबिलाइज करके उन फॉरेन इन्वेडर्स को बॉडी से इलेमिनेट किया जाता है तो दिस एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू कॉम्बैट ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिक मटीरियल बाय प्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज्ड प्रोटीन और बाय मोबिलाइजिंग द फैगोसाइटिक सेल दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी तो आप इम्यूनिटी को इस तरह से इस वर्डिंग के जरिए डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप इसके बजाय आप इस तरह से भी इम्यूनिटी को डिफाइन कर सकते हैं द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट डैमेज देखो जो डैमेज यहां पर आना है इस फॉरेन इन्वेडर की वजह से अगर ये बॉडी के अंदर दाखिल हो गया तो इसने जाहिर है कि हमारे बॉडी को डैमेज करने की कोशिश करनी है तो इस डैमेज से रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी है बॉडी की तो इस एबिलिटी को दरअसल इम्यूनिटी कहा जाता है द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट डैमेज फ्रॉम फॉरन सब्सटेंसेज और वह फॉरन सब्सटेंसेज वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या फिर उनके कोई हार्मफुल केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं जो उनकी बॉडी से रिलीज होंगे जैसे टॉक्सिंस रिलीज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हार्मुल केमिकल्स हो सकते हैं तो इन हार्मफुल केमिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए जो डैमेज हमारे बॉडी को पहुंचना है उस डैमेज से प्रोटेक्ट करने का नाम उस डैमेज को रिजिस्ट करने का नाम दरअसल इम्यूनिटी है ठीक है तो मेरे ख्याल है कि अब आपको ये इम्यूनिटी का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी जो इस चैप्टर का टाइटल है इस पूरे चैप्टर में हमने इसी हवाले से भी बात करनी है कि ये सारा कुछ कैसे कर मुमकिन होगा किस तरह से हमारी बॉडी इस काबिल होती है कि फॉरेन बॉडीज को फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर आने से ही रोक दें और किस तरह से हमारे बॉडी इस काबिल होती है कि अगर ये फॉरेन इन्वेडर्स फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएं तो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर फिर इनको ब्लॉक किया जाए तो ये सारी बातें हमने इस चैप्टर के अंदर आगे फर्दर डिस्कस करनी है तो इस कॉन्सेप्ट को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए यहां पर हम मजीद कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी है ये और ज्यादा वाजे हो जाए मिसाल के तौर पर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इन फॉरेन पार्टिकल्स को हम पैथोजेंस कहेंगे अगर ये इस तरह से कोई लिविंग बींग्स हो जैसे कि बैक्टीरिया वायरसेस या फंजाई ये तो पैथोजेंस हैं या फिर कोई केमिकल कंपाउंड भी हो सकता है कोई इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटीरियल भी हो सकता है जो बॉडी के अंदर दाखिल हो तो इन तमाम फॉरन इन्वेडर्स के लिए इन फॉरन पार्टिकल्स के लिए एक कॉमन टर्म आमतौर पर यूज की जाती है कहते हैं एंटीजन इस कॉमन टर्म को एंटीजन कहा जाएगा एंटीजन वैसे आपने सेल वाले चैप्टर के अंदर यह नाम पहली बार पढ़ा था एंटीजन ये हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं ठीक है एंटीजन बेसिकली इसका मतलब होता है एंटीबॉडी जिनरेटिंग सब्सटेंस ठीक है इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है एंटीबॉडी जिनरेटिंग ये असल में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है एंटीबॉडी जेनरेटिंग जेनरेटिंग सब्सटेंस तो इसमें देखो ये एंटी यहां से लिया और ये जेन इस जेनरेटिंग वर्ड से लिया तो इस तरह से यह वर्ड बन गया एंटीजेन तो एंटीजेन हमारे बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं हमारे बॉडी के अंदर भी हमारी सेल की सरफेस पर सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म में मौजूद होती हैं तो वो प्रोटीन्स उस सेल की रिकग्निशन का बाइस बनती हैं लेकिन उनको नाम एंटीजन क्यों दिया जाता है क्योंकि अगर वो सेल किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाए तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की बुनियाद पर उस सेल को पहचान जाए कि ये सेल उसकी अपनी बॉडी का सेल नहीं है तो इस वजह से ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की शनाख्त का बाइस बनते हैं उन सब्सटेंसेस को एंटीजन कहा जाता है तो ये देखो ये जो बैक्टीरिया फंजाए वायरसेस ये सब भी एंटीजेंस कहलाते हैं या इनकी सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक एंटीजेंस मौजूद होते हैं आप यहां पर ये यह याद रखिएगा कि ये एंटीजन टर्म एक ब्रॉड टर्म है हम ये बैक्टीरिया वायरसेस या फंजाय जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं इनको एज अ होल भी एंटीजन तस्वर करेंगे और इसके अलावा इनकी सरफेस के ऊपर इनके सेल्स के ऊपर जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी उनको भी एंटीजन कंसिडर किया जाएगा यानी और इसके साथ साथ और इसके साथ साथ जो अभी मैंने आपको नॉन लिविंग मटेरियल्स का बताया कि वो भी हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो सकते हैं तो उन सब्सटेंसेस को भी हम इन जनरल एंटीजन ही कहेंगे यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड यानी कोई भी ऐसा कंपोनेंट कोई भी एक्सटर्नल या फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी को स्टिमुलेट कर दे जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट करने का जो मैकेनिज्म है उसे स्टिमुलेट कर दे तो वो पार्टिकल हमारे लिए एक एंटीजन कहलाएगा ठीक है तो इस तरह से आप एंटीजन को डिफाइन करेंगे कि एनी फॉरेन पार्टिकल एंटर्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एंटीजन ठीक है तो यहां पर इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीजन की डेफिनेशन यही होगी अदरवाइज वैसे जो हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिकिग्निशन प्रोवाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी आमतौर पर एंटीजन कह रहे होते हैं तो हमारे अपने बॉडी के कुछ एंटीजेंस हैं जो हमारे लिए तो एंटीजन नहीं है लेकिन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो एंटीजेंस कहलाएंगे लेकिन इन जनरल उनको नाम एंटीजन का ही दे दिया हुआ है तो आपने ये यहां पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हुए रहते हैं कि ये क्या मतलब है कि फॉरन पार्टिकल एंटीजन है और हमारे बॉडी के अंदर भी एंटीजन है तो देखो भाई जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन जिससे हमारे सेल काबिल शनाख्त होते हैं जिससे हमारे सेल्स पहचाने जा रहे होते हैं वो हमारे लिए एंटीजन नहीं है लेकिन वो अगर हमारा सेल किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएगा तो उसके लिए वो एंटीजन बन जाएगा तो इस सब्सटेंस को जिससे वो सेल पहचाना जा रहा है इसको नाम ही एंटीजन का दे दिया और इसी तरह से अब दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के पास भी इसी किस्म के कोई सब्सटेंसेस होंगे जिनसे वो ऑर्गेनिज्म पहचाने जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर जब वो दाखिल होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ख़ास किस्म का बैक्टेरियम आ गया है ये खास किस्म का वायरस आ गया है ये ख़ास किस्म का फंगल ऑर्गेनिज्म आ गया तो इस तरह से अब उनके सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर भी जो इस तरह के सब्सटेंसेस मौजूद होंगे जिनसे वो पहचाने जा रहे हैं उन सब्सटेंसेस को भी एंटीजन या फिर इन ऑर्गेनिजम्स को जो हमें अटैक करें इनको एज अ होल भी आप एंटीजन तस्वर करेंगे तो इस, यहां पर इसी वजह से ये एक ब्रॉड डेफिनेशन सजेस्ट की गई है एंटीजन की कि एनी फॉरन पार्टिकल एंटर्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एंटीजन इसी तरह से देखो हम यहाँ पर मजीद इस इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए एक और टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं और वो टर्म है एंटीबॉडी अभी जैसे आपके सामने जिक्र हुआ कि एंटीजन एक एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस को कहा जाता है यानी कोई ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर हमारे हमारे सिस्टम के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर दें तो ऐसे सब्सटेंस को तो कहते हैं एंटीजन लेकिन ये जो एंटीबॉडी है ये इट क्या चीज है एंटीबॉडी जो होता है ना एंटीबॉडी ये हमारा एक सेल्फ मॉलिक्यूल है एंटीबॉडी आपने ये याद रखना है कि ये हमारा एक सेल्फ मॉलिक सेल्फ मॉलिक्यूल का मतलब है कि हमारी बॉडी का अपना मॉलिक्यूल है और जबकि एंटीजन अमूमन हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि ये बाहर से आया है ठीक है तो ये सेल्फ मॉलिक्यूल ये बेसिकली एक डिफेंसिव प्रोटीन है ठीक है ये अभी आगे इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसकी केमिकल नेचर क्या होती है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो सारी बातें अभी आगे आएंगी लेकिन आप फिलहाल याद रख लीजिए कि ये सेल्फ मॉलिक्यूल ये एक डिफेंसिव प्रोटीन है डिफेंसिव प्रोटीन इसके जरिए बॉडी को एक किस्म का डिफेंस हासिल हो रहा होता है सो दिस इज अ डिफेंसिव प्रोटीन ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है और इसका काम फॉरेन पार्टिकल्स को इनएक्टिव बनाना होता है ये किस तरह से फॉरेन पार्टिकल्स को इनएक्टिव बनाता है ये बात अभी आगे चलकर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ यहां पर अभी ये वक्त नहीं आया कि हम एंटीबॉडी का पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करें ठीक है ये अभी आपने थोड़ा सा सब्र रखना है अभी जस्ट आप इनकी आ, इनका थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने ताकि हम ये चैप्टर आगे बढ़ा सकें आज चूंकि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो उसके अंदर जस्ट आपको इनका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेना है और फिर रफ्ता रफ्ता आप देखिएगा कि इस चैप्टर के आने वाले लेक्चर्स के अंदर आप इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो एंटीबॉडी है ये हमारी बॉडी का अपना मॉलिक्यूल इस वजह से हम इसको सेल्फ मॉलिक्यूल कह रहे हैं और ये एक डिफेंसिव प्रोटीन है ये फॉरेन पार्टिकल्स को इनएक्टिव बना देती है और इस तरह से फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी को डैमेज नहीं कर पाते ठीक है तो एंटीबॉडी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी ठीक है यहां पर चले ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हमने ह्यूमन बॉडी लिख दी है लेकिन याद रखिए कि अदर देन ह्यूमन दूसरे एनिमल्स के अंदर भी एबिलिटी मौजूद है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकें तो बहरहाल हम चूंकि ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त तो हम यहां पर ह्यूमन बॉडी लिख सकते हैं और इसी तरह से ये जो ऊपर डेफिनेशन आपको भी बताई थी एंटीजन की तो यहां पर भी बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जगह ह्यूमन बॉडी भी लिखा जा सकता है जो कि हम इस चैप्टर को ह्यूमन के रेफरेंस में स्टडी कर रहे हैं तो इस वजह से इन दोनों जगहों पर ह्यूमन का जिक्र करना कोई मायूब नहीं होगा बाराल तो एंटीबॉडी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि विच आर प्रोड्यूस बाई ह्यूमन बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि एंटीजन एक एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस होता है ये ऐसा सब्सटेंस है जो एंटीबॉडी जनरेट करता है तो एंटीबॉडी ये एंटीजन के रिस्पॉन्स में जनरेट होगी कहां से जनरेट होगी ये अभी आपको आगे चलकर समझ में आएगा हमारे बॉडी के कुछ खास सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज को बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं कैसे वो एंटीजन के जरिए स्टिमुलेट होकर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं मैंने जैसे आपको अभी बताया कि ये सारी बातें अभी रफ्ता रफ्तार हम खोलेंगे आपने अभी इसकी कंफ्यूजन में नहीं जाना कि ये सारा कुछ कैसे होगा ये चूंकि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो आपने बस थोड़ा थोड़ा इन कॉन्सेप्ट को देखना है और फिर आने वाले लेक्चर्स का आपने इंतजार करना है जैसे जैसे हम फर्दर आगे लेक्चर्स लेते रहेंगे तो आपको ये जो कंसेप्ट और ज्यादा वाजे तौर पर समझ में आते जाएंगे बहरल एंटीबॉडी क्या है कि दीज आर प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बॉडी इन रिस्पांस टू एंटीजन द एंटीबॉडी आइडेंटिफाइज एंटीजन एंड एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर एंटीजन देखो ये यहां पर जो बात यहां पे लिखी है इधर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये खुद इनगल्फ नहीं करती है एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज तो जस्ट प्रोटीन्स हैं एक्चुअली एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ अटैच हो, हो जाती है उनको आइडेंटिफाई करती हैं और उसके साथ अटैच हो जाती हैं और उन एंटीजन को बेबस कर देती हैं वो एंटीजन बॉडी के अंदर फिर वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते तो जब ये एंटीबॉडी उनको बेबस कर देंगी उनको इनएक्टिव बना देंगी तो फिर हमारे जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो बॉडी के अंदर घूम रहे होते हैं और इस इंतजार में होते हैं कि उनको कोई बाहर से आने वाला एजेंट नजर आ जाए तो वो अगर एंटीबॉडी इस तरह एंटीजेंस के साथ अटैच हुए होंगे तो फिर ये हमारे फैगोसाइटिक सेल बहसानी उनको फैगोसाइटोस करके डिस्ट्रॉय कर देंगे तो यहां पर जो एनगल्फिंग की बात हो रही है वो एनगल्फिंग दरअसल फैगोसाइटिक सेल्स के जरिए होगी ना कि एंटीबॉडी के जरिए बहरहल एंटीबॉडी उसकी एनगल्फिंग में हेल्प करेंगी तो इस तरह से हमें देखिए इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीजन का भी पता चल गया कि एंटीजन टर्म से क्या मुराद है हम बार बार यहां पर ये टर्म बोलेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर और फिर हमें आज ये भी पता चल गया कि एंटीबॉडी किसे कहते हैं इसी चीज को फर्दर थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं तो आप देखिए कि एक और टर्म अक्सर जिसका जिक्र आएगा अभी वो है इम्यून रिस्पॉन्स देखो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो एबिलिटी है टू डिफेंड अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स एबिलिटी इस एबिलिटी का नाम इस कैपेसिटी का नाम तो इम्यूनिटी है लेकिन बॉडी किस तरह से ये immunity वाली करेगी? यानी मैकेनिज्म क्या होगा मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई ये जो फॉरेन पार्टिकल्स सबसे पहले इनसे बचने का तरीका ये कि इनको अंदर आने ही ना दिया जाए तो इनको अंदर आने से कैसे रोका जाएगा कि भाई जो हमारी एक्सटर्नल बैरियर्स हैं जो हमारी स्किन है या हमारी रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव एपिथेलियम है अगर वो फॉरेन बॉडीज को फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर आने से रोक दें तो इस तरह से फॉरेन पार्टिकल अंदर नहीं आएंगे यानी हमारे बॉडी ने आपने देखा कि इम्यूनिटी का मुजाहरा किया है ठीक है तो ये ये जो आपने बॉडी का एक मेजर देखा बॉडी का एक तरीका देखा एक मेथड देखा इम्यूनिटी शो करने का इस मेथड को कहा जाएगा इम्यून रिस्पॉन्स फिर इसी तरह से अगर ये फॉरन पार्टिकल अंदर दाखिल हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर फिर कुछ मैकेनिज्म हैं जो ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं जैसे बुखार हो जाएगा हमें तो बुखार की वजह से भी उन फॉरेन पार्टिकल्स को पकड़ना ज्यादा आसान हो जाएगा आप सोचेंगे कि कैसे ये अभी आगे चलकर हम इस बात के ऊपर गौर फिकर करेंगे क्योंकि ये अभी आगे टॉपिक आएगा इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रोटेक्टिव किस्म की प्रोटीन्स फॉर्म होंगी जो उन फॉरन बॉडीज के खिलाफ काम करेंगी जैसे साइटोकाइंस तो ये भी एक मैकेनिज्म है फिर फैगोसाइटिक सेल्स हरकत में आएंगे या फिर इस तरह से हमारे पास कुछ और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं और फिर इंफ्लमेशन एक मैकेनिज्म है बहरहाल ये इस तरह के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं उनके जरिए भी हम फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं यानी इम्यूनिटी का मुजाहरा इस तरह से भी किया जा सकता है इन कंपोनेंट्स के जरिए तो ये भी दरअसल एक किस्म का इम्यून रिस्पॉन्स होगा यानी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है कि दिस इज एक्चुअली द मैथड हाउ अवर बॉडी रिस्पॉन्ड टू तो द फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी किस तरह से किस तरीके से रिस्पोंड करती है फॉरेन पार्टिकल को इस मेथड को दरअसल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जा रहा है और फिर टाइम ऐसा होता है कि ये जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं ये दाखिल हो जाते हैं हमारे लाइफ लाइन को डैमेज करने के लिए हमारे वाइटल एरिया को डैमेज करने के लिए और अंदर आ जाते हैं तो यहां पर फिर मजीद कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म मौजूद है तो बॉडी के पास यहां पर भी कुछ स्पेशल मेयर प्रेजेंट हैं जिनके जरिए बॉडी डिफेंड करेगी अपनी इस लाइफ लाइन को इस वाइटल एरिया को तो इस तरह से यहां पर भी जो मैयर एडॉप्ट किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज इम्यून रिस्पॉन्स लिहाजा इम्यून रिस्पॉन्स को हम डिफाइन करेंगे कि दिस इज द एक्शन ऑफ द बॉडी ठीक है हमारे बॉडी का ये एक्शन है या बॉडी सेल्स का ये एक्शन है द एक्शन ऑफ द बॉडी सेल्स और दियर प्रोडक्ट्स हो सकता है कि सेल्स खुद हरकत में ना आए सिर्फ वो अपनी कोई प्रोडक्ट रिलीज करें जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था कि एंटीबॉडी रिलीज होना शुरू हो जाएंगी तो एंटीबॉडीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल एंटीबॉडी खुद सेल्स नहीं है तो इस तरह से आप देखिए कि हमारे या तो बॉडी सेल्स का एक्शन अगेंस्ट फॉरन इन्वेडर या फिर उनकी किसी प्रोडक्ट का एक्शन अगेंस्ट फॉरन इन्वेडर दिस इज कॉल्ड एज इम्यून रिस्पॉन्स एक्शन ऑफ द बॉडी सेल्स और देर प्रोडक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू एनी एंटीजन इज कॉल्ड इम्यून रिस्पॉन्स तो यह टर्म हम बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर आपने ये इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में याद रखना है कि इम्यून रिस्पॉन्स एक्चुअली दिस टर्म अप्लाइज टू द मेयर्स टू द एक्शंस ऑफ द बॉडी विच आर एडॉप्टेड इन ऑर्डर टू इलिमिनेट द फॉरन पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू रिमूव द फॉरन पार्टिकल्स जो मैयर्स बॉडी लेती है फॉरेन पार्टिकल्स के साथ कॉम्बैट करने के लिए तो उन तमाम मैयर्स को एक्चुअली इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है ठीक है भाई तो यहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं आगे चलकर हम आगे बात करेंगे दो किस्म के खास इम्यून रिस्पॉन्स यहां पर बिल्कुल इंटरनल लाइन ऑफ डिफेंस के पास मौजूद हैं उसमें से एक को कहते हैं हिम्यल इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरे को सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है या एंटी एक को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरे को ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं तो बच्चे समझते हैं शायद ये दो ही इम्यून रिस्पॉन्स हैं ऐसा नहीं है भाई तो आपने ये याद रखना है कि इम्यून रिस्पॉन्ज ये जैसे फीवर है ना ये भी एक किस्म का इम्यून रिस्पॉन्स है ये इंफ्लामेशन अगर हमें होती है तो ये भी इम्यून रिस्पॉन्स है नेचुरल किलर सेल्स हरकत में आते हैं या प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स बनती है या फैगोसाइटोसिस का मुजाहरा होता है सो ऑल ऑफ दीज आर इम्यून रिस्पॉन्ज इवन ये जो हमारी स्किन ये भी एक किस्म का इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है या हमारी जो बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर केमिकल कंपाउंड्स हैं तो ये इस तरह से नंबर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स आर फाउंड इन अवर बॉडी ठीक है जी तो ये आपको टर्म भी क्लियर हो गई कि इम्यून रिस्पॉन्स से क्या मुराद है अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं इन तमाम स्टडीज को ये जितना भी अभी तक हमने एस्पेक्ट्स को उठाया है अभी कि भाई इम्यूनिटी क्या चीज है एंटीजन किसे कहते हैं एंटीबॉडी क्या है इम्यून रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं इन तमाम एस्पेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं इम्यूनोलॉजी तो बायोलॉजी की एक स्पेसिफिक ब्रांच है इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी या फिर जितने भी इम्यूनिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उन तमाम एस्पेक्ट्स को कलेक्टिवली जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी तो इम्यूनोलॉजी मेडिकल साइंस की एक बहुत ही अहम ब्रांच है क्योंकि विदाउट इम्यूनोलॉजी आप डॉक्टर नहीं बन सकते आप किसी इंसान का इलाज नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर है कि जब आप किसी इंसान का इलाज करेंगे तो जाहिर है इलाज किसी बीमारी का होगा और वो जो बीमारी है वो किसी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से भी आती है लेकिन अक्सर बीमारियां किसी फॉरेन पार्टिकल के इंट्रैक्शन की वजह से डेवलप होती हैं जैसे कोई पैथोजन बॉडी के अंदर दाखिल हो गया या कोई दूसरा केमिकल कंपाउंड बॉडी के अंदर दाखिल हो गया उसके उसने बॉडी को डैमेज करना शुरू कर दिया तो इस तरह से ये अक्सर जो बीमारियां हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स के साथ इंट्रैक्शन की वजह से डेवलप होती हैं तो लिहाजा विदाउट द स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजी आप किसी भी इंसान का इलाज नहीं कर सकते प्रॉपरली तो ये एक बहुत ही अहम ब्रांच है बायोलॉजी की अच्छा तो इम्यूनिटी का काफी हद तक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हो चुका है यहां पर हम थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को देखिए हमने यहाँ पर अभी बात की इम्यून रिस्पॉन्स की कि इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो बॉडी का दरअसल एक्शन है या बॉडी सेल्स का एक्शन है या उनकी प्रोडक्ट्स का एक्शन है अगेंस्ट द फॉरन पार्टिकल्स तो अब ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं ना इन इम्यून रिस्पॉसिस को तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है ठीक है कि ये जो बॉडी के मयर्स होते हैं जिसके जरिए बॉडी प्रोटेक्ट करती है अपनी लाइफ लाइन को अपने वाइटल पोर्शन को प्रोटेक्ट करती है तो इस इम्यून इन इम्यून रिस्पॉन्स को तीन कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं और वो तीन कैटेगरीज कौन सी हैं उनमें से पहली कैटेगरी है उसे कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये तीनों लाइन ऑफ डिफेंसिस कहलाती लाती है और उनमें से सबसे पहली है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किस चीज पर ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक्सटर्नल बैरियर्स पर मुश्तम है एक्सटर्नल बैरियर्स क्या है भला तो दरअसल ये एक्सटर्नल बैरियर्स ये इस तरह से आप देखिए कि कोई मैकेनिकल किस्म के ये बैरियर्स भी हो सकते हैं एक्सटर्नल बैरियर मिसाल के तौर पर जैसे स्किन ये एक मैकेनिकल बैरियर है कि स्किन आ, की वजह से कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा या फिर इसके अलावा जैसे हमारी एपीथीलीम है डाइजेस्टिव एपीथीलीम है या फिर रेस्पेरेटरी एपिथीलियम है क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इसके साथ साथ रेस्परेटरी ट्रैक्ट ये दोनों ट्रैक्ट्स असल में एक्सपोज हैं हम जब सांस लेते हैं बाहर से एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में दाखिल होती है तो उस हवा के साथ बहुत सारे फॉरन पार्टिकल्स भी हमारे रेस्परेटरी ट्रैक्ट में दाखिल हो जाते हैं जैसे आज आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और आप देखते हैं कि ये हवा के जरिए ही हमारे सांस की नाली के जरिए हवा के जरिए ही ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर दाखिल होते हैं और फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दाखिल होने के बाद ये हमारे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को डैमेज करना शुरू कर देता है लेकिन अगर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंटैक्ट हो वो किसी किस्म के प्रॉब्लम का शिकार न हो तो फिर कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता कोरोना वायरस आएगा और फिर वो उसी तरह से एलिमिनेट भी हो जाएगा तो आपने देखा कि ये जो एपिथेलियम होती है जैसे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है इसी तरह से डाइजेस्टिव एपिथेलियम भी या फिर जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो डिफरेंट काइंड के के केमिकल्स हैं मिसाल के तौर पर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के अंदर बहुत लो पीएच का एच सी एल सीक्रिएट हो रहा होता है इसी तरह से आप देखिए इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ही अल्कलाइन पी एच के सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही होती है तो ये इस तरह की अल्कलाइन सिक्रीशंस और एसिडिक सिक्रीशंस ये फॉरन पार्टिकल्स को डैमेज करने के लिए काफ़ी होती हैं तो ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये एक्सटर्नल बैरियर्स हैं और इन एक्सटर्नल बैरियर्स में कोई मैकेनिकल बैरियर भी हो सकता है कोई केमिकल बैरियर भी हो सकता है जैसा कि ये आपको अल्कलाइन और एसिडिक केमिकल्स बताएं या फिर इसके अलावा कोई रिफ्लेक्सेस भी हो सकते हैं मिसाल के तौर पर जैसे छींक आती है ना ये एक रिफ्लेक्स है जैसे कोई अगर इरिटेशन होगी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो उस इरिटेशन uh, की वजह से इरिटेशन का मतलब है कि आपको कोई उलझन सी महसूस होती है और वो उलझन अमूमन उसी वक्त महसूस होती है जब कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर कुछ दाखिल होने की कोशिश कर रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो इरिटेशन या उलझन क्रिएट कर रहा है तो आप ऐसी सूरत में एकदम छींक मारते हैं और जब छींक मारते हैं तो अंदर से हवा का एक बस्ट बाहर निकलता है और उस बस्ट ऑफ एयर के साथ जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहा था वो एकदम से बाहर निकल जाता है तो ये इस तरह का जैसे छींकना ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है तो इस तरह की यह रिफ्लेक्सेस भी इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है तो आपने देखा कि ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये एक्सटर्नल बैरियर्स पर मुश्तम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जिसमें रिफ्लेक्सेस केमिकल मैयर्स और कुछ मैकेनिकल मयर्स इन्वॉल्व हैं अच्छा ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आप देख रहे हैं कि इसको हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कह रहे हैं नॉन स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं दरअसल इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के जरिए कोई टारगेटेड ऑपरेशन नहीं किया जा रहा यानी हम यहां पर कोई ऐसे खास तौर पर कोरोना वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक मैयर नहीं ले रहे हैं। यहां पर हम कोई खास किस्म के बैक्टीरियम से छुटकारा पाने के लिए कोई स्पेसिफिक मैयर नहीं ले रहे हैं कोई खास किस्म के फंगल ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए कोई खास स्पेसिफिक मैयर यहां पर अडॉप्ट नहीं किया जा रहा यहां पर इन जनरल हमारी स्किन या रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव एपिथेलियम इन जनरल फॉरन पार्टिकल्स की एंट्री को रोक रही है या फिर अगर कोई दाखिल होने की कोशिश करता है तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के केमिकल्स हैं उनको इन जनरल ख़त्म कर देते हैं जाहिर है कि स्टमक के अंदर ये कोई तमीज़ नहीं की जाती कि भाई यहाँ पर अगर ये खास बैक्टीरियम आया तो इसको मार दिया जाए और इसको नहीं मारना तो इस तरह की कोई यहाँ पर डिफ्रेंसीशन कोई नहीं है तो बहरहाल इस तरह ये आपने देखा कि ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है एक्सटर्नल बैरियर्स पर मुशतल जिसमें मैकेनिकल केमिकल टाइप के मयर्स और रिफ्लेक्सिस टाइप के मयर्स इंक्लूडेड हैं ये एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है यहां पर हम इन जनरल कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ये जो लाइन ऑफ डिफेंस थी ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि किसी मुल्क के अंदर आप देखें कि हमारा जैसे कंट्री है तो हमारे कंट्री पर एक बॉर्डर फोर्स तैनात है ना तो जो हमारे बॉर्डर की प्रोटेक्शन कर रही है तो वो जो बॉर्डर फोर्स है वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है तो अगर उस बॉर्डर फोर्स को कोई धोखा देकर उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके कोई दुश्मन का एजेंट हमारे अंदर दाखिल हो जाए हमारे कंट्री के अंदर दाखिल हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा तो ऐसी सूरत में फिर ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हरकत में आएगी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बिल्कुल इसी तरह हमारे बॉडी में भी अगर ये स्किन या रेस्परेटरी एपिथिलियम या फिर ये जो केमिकल मयर से या रिफ्लेक्सेज अगर ये फॉरेन पार्टिकल्स को रोकने में नाकाम हो जाएं किसी वजह से तो ऐसी सूरत में फिर वो फॉरेन पार्टिकल अंदर आ जाता है तो और अंदर आने के बाद फिर वो हमारी इस लाइफ लाइन के करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन अब दूसरे मरले पर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करेगी और ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये आप देख रहे हैं कि इन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है ये आपको ये सारे इम्यून रिस्पॉन्सेज यहां पर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में नजर आ रहे हैं ये देखिए ये फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है फेगोसाइटिक सेल्स के जरिए ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में इंक्लूडेड है फिर इसी तरह से बॉडी के अंदर कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन हरकत में आ जाती हैं साइटोकाइंस टाइप की ये एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का मैयर है फिर फीवर हो जाता है हमें किसी इंफेक्शन की सूरत में तो ये फीवर का होना भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक मुजाह है और फिर नेचुरल किलर सेल्स का हरकत में आना या फिर इंफ्लामेशन का हो जाना अभी आपने परेशान नहीं होना भाई ये जो मुश्किल मुश्किल नाम यहां पर लिए जा रहे हैं मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा भाई ये अभी सारी बातें हमने आगे चलकर डिटेल में पढ़नी है ठीक है अभी आने वाले लेक्चर्स में हम ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर एक डिटेल लेक्चर लेंगे और फिर इसी तरह से सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर और फिर ये जो आगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इसके ऊपर तो कई लेक्चर आने वाले हैं तो इस वजह से आपने अभी परेशान नहीं होना कि भाई ये जो सर यहां पर चीजें बताते जा रहे हैं इनको आगे एक्सप्लेन तो कर नहीं रहे तो मैं जस्ट अभी आपको एक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं कि इम्यूनिटी है क्या चीज और हम किस तरह से ये इस तरह जो बहुत ही मुश्किल किस्म का हमारे इन्वायरमेंट है जिसमें बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स मौजूद हैं तो उनसे हम किस तरह से बच पा रहे हैं तो बहरहाल आपने ये देखा कि ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के ये जो डिफरेंट मेजर्स हैं इनके जरिए अगर वो फॉरेन पार्टी के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया तो इनके जरिए उसको यहीं पे रोक दिया जाएगा और उसको हमारी लाइफ लाइन को डैमेज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी लेकिन जैसे आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर बॉर्डर फोर्स नाकाम हो जाए कोई दुश्मन का एजेंट भेस बदल कर या किसी तरह से धोखे से वो अंदर दाखिल हो जाए तो ऐसी सूरत में अंदर जो पुलिस हमारी घूम रही होती है उनको पकड़ने के लिए दुश्मन के एजेंट्स को तो समाइम वो जो पुलिस है वो भी नाकाम हो जाती है तो अगर वो पुलिस भी नाकाम हो जाए उस फॉरेन एजेंट को पकड़ने के लिए क्योंकि वो फॉरेन एजेंट हो सकता है कि वो कोई जासूस हो उसने अपना भेष हुआ हो और वो आपको पहचान में नहीं आ रहा तो ये जितने भी मयर्स हैं वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे यानी हमारी जैसे पुलिस है वो उस एजेंट को पकड़ नहीं पा रही तो अगर वो पुलिस नाकाम हो जाती है और वो दुश्मन का एजेंट हमारी लाइफ लाइन को डैमेज करने की कोशिश करता है तो आपको पता है कि हर कंट्री के अंदर एक इंटेलिजेंस फोर्स मौजूद होती है जो आइडेंटिफाई करती है इस तरह के दुश्मन के एजेंट्स को कि ये कोई फॉरेन एजेंट है इसको पकड़ना ये हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उस आ, इंटेलिजेंस फोर्स के जरिए उसको रिकगनाइज़ किया जाता है और उसके ऊपर फिर दूसरे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं जिसमें आर्मी से रिलेटेड जो इदारे हैं वो हरकत में आ जाते हैं या इसके अलावा और जितने भी मुख्तलिफ किस्म के आला दर्जे के ला इन्फोर्समेंट एजेंसी होंगी वो हरकत में आ जाएंगी और फॉरेन एजेंट को पकड़ लेंगी और उसको लाइफ लाइन को डैमेज नहीं करने देंगी बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास भी अगर ये फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाएं तो वी आल्सो हैव अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इन अवर बॉडी और वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या चीजें वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्चुअली हमारा इम्यून सिस्टम है ठीक है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दरअसल इम्यून सिस्टम को कहते हैं याद रखो कि टर्म इम्यून सिस्टम ये एज अ होल इस पूरे सिनेरियो के लिए यूज की जा सकती है जैसे हम बात कर रहे थे ना इम्यूनिटी की तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एबिलिटी है और बॉडी का वो सिस्टम जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहेंगे तो इम्यून सिस्टम इन जनरल इस पूरे सिस्टम को कह रहे हैं जिसमें ये सारे मैसे इंक्लूड होते हैं लेकिन स्पेसिफिकली टर्म इम्यून सिस्टम इज यूज फॉर द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ठीक है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये असल इम्यून सिस्टम है वैसे मैंने आपको बताया कि इन जनरल आप इन तमाम मयर्स को इम्यून सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं ठीक है लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम ये टर्म अप्लाई करें तो स्पेसिफिकली आप कहेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या है इम्यून सिस्टम ये हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है और इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर यहां पर टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा अच्छा यहां पर एक बात रह गई कि ये जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस थी ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह नॉन स्पेसिफिक थी नॉन स्पेसिफिक के सेंस में कि यहां पर भी कोई स्पेसिफिक मैयर नहीं लिया गया कि भाई ये फ्लां किस्म का ऑर्गेनिज्म आया तो इसको मारने के लिए ये वाला मैयर अडॉप्ट किया जाए यहां पर इन जनरल जो भी कोई फॉरेन इन्वेडर दाखिल हो गया था उसके लिए इन जनरल यहां पर स्पॉन्से राइज हो रहे थे और उसको किल करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन अनलाइक दीज फर्स्ट टू लाइन ऑफ डिफेंसिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बरक्स ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करती है ये स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिफेंस है यहां पर स्पेसिफिक मेजर्स अडॉप्ट होंगे वो स्पेसिफिक मेजर्स किस किस्म के होंगे यानी यहां पर अगर कोरोना वायरस आया है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा बकायदा कि ये कोरोना वायरस है और उसके लिए जो खास मेजर अप्रोप्रिएट होगा वो मयर टेकअप किया जाएगा इसी तरह से अगर कोई पोलियो वायरस आ गया तो उसके लिए जो खास मैयर अडॉप्ट करना है वो मैयर अडॉप्ट किया जाएगा अब वो मैयर कैसे होंगे ये अभी आगे चलकर हम पढ़ेंगे ठीक है अभी जस्ट चूंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है तो इस वजह से अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो बहरहाल ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है तो इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी अगर कोई फॉरेन इन्वेडर क्रॉस कर जाए ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी अगर फेल हो जाती है तो ऐसी सूरत में फिर वो फॉरेन वेडर हमारी बॉडी को डैमेज कर देता है हमारी जो लाइफ लाइन है उसको वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आ जाता है तो का तो ऐसा होता है कि बास फॉरेन वेडर्स यूं तेज़ी से क्रॉस करते हुए ये लाइफ लाइन को डैमेज करते हैं लेकिन जैसे ही लाइफ लाइन डैमेज होने लगती है हम बीमार पड़ते हैं तो फौरन ही ये बाकी जो मयस हरकत में आए हुए होते हैं वो अल्टीमेटली उसको रिकग्नाइज करके ख़त्म कर देते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप बीमार होते हैं और उसके बाद ठीक हो जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये काम कर रहा है चाहे पहली लाइन ऑफ डिफेंसिस फेल हुई थी जो आप बीमार पड़े लेकिन उसके बाद फिर अगर आप ठीक हो गए तो इसका मतलब है कि आपके इम्यून रिस्पॉन्स ने काम किया तो फिर आप ठीक हो गए तो अदरवाइज अगर आप ठीक ना होते यानी कोई भी आपको इंफेक्शन हो और उस इंफेक्शन की वजह से अल्टीमेटली जान चली जाए जैसा कि आजकल हो रहा है कि बहुत सारे जो इम्यूनो इम्यूनोकम्प्रोमाइज लोग होते हैं इम्यूनो कंप्रोमाइज का मतलब ये होता है कि जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है तो कोरोना वायरस उनको बड़ी आसानी से अटैक करता है वो यूं फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्ट्रॉय करता हुआ वो हमारी लाइफ लाइन को डैमेज करता है और वो पकड़ने में भी नहीं आता क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है और ये लाइन ऑफ डिफेंसिस प्रॉपरली उसके अंदर काम नहीं कर रही होती और अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद उस शख्स की डेथ हो जाती तो ये अगर इम्यून रिस्पॉन्स हमारा वर्क कर रहा है तो हम फिर मर नहीं पाएंगे हमारी लाइफ को खतरा जरूर होगा लेकिन वो अगर एजेंट पकड़ा जाता है तो हम बीमार होने के बावजूद फिर ठीक हो जाएंगे तो अगर बीमार होने के बावजूद हम ठीक हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि इम्यून रिस्पॉन्स हमारा काम कर रहा है ठीक है बच्चों तो ये आज के लेक्चर के अंदर हमने इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट लर्न किया इम्यूनिटी क्या होती है और इम्यूनिटी से रिलेटेड जो मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स हम बार बार अभी इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं मिसाल के तौर पर एंटीजन का जिक्र किया हमने एंटीबॉडी का जिक्र किया इम्यून रिस्पॉन्स का जिक्र किया इम्यूनोलॉजी और फिर ये जो लाइन ऑफ डिफेंसिस हैं ये क्या हैं तो ये सारा एक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है कि इम्यूनिटी क्या होती है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं क्या तो हम इस चैप्टर के अंदर अभी आने वाले लेक्चर्स में अभी इन्हीं कॉन्सेप्ट को मजीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए इनशाला आपको अभी आने वाले लेक्चर्स में ये जो इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत वाजे तौर पर समझ में आ जाएगा डियर व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from biology guardian and also do not hesitate to ask any question regarding this lecture my contacts are shown on the screen thank you once again